पर आसीन माननीय उदित राज जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे बहुत सारे युवा साथी, संगठन के अध्यक्ष हर्षवर्धन जी, अजय पासवान जी, प्रताप सिंह जी, और हमारे देश के भविष्य, हमारे यूथ, हमारे बुजुर्ग और हमारी बहनें। यहाँ पर मैं एक चीज पहले आप लोगों को बोल देना चाहती हूँ कि यहाँ पर देख रही हूँ कि देश की किसी भी क्रांति में या विश्व की किसी भी क्रांति में महिलाओं की भी उतनी ही भागीदारी होती है जितनी पुरुषों की, लेकिन यहाँ हमारी महिलाओं की संख्या काफी कम है, इसलिए हमें असफलता भी हाथ लगती है। आगे में महामानव बुद्ध, हमारे अम्बेडकर संविधान निर्माता, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, जगदेव प्रसाद जी, जिन्होंने नारा दिया था 100 में 90 सबसे थे, 90 भाग हमारा है। साथियों, हम उन 90 की संख्या में शामिल हैं। अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी कि आज 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो रहा है, हमने जितनी कोशिश की थी हमने की, लेकिन फिर भी हमें एक डर है कि जो हमने आप लोगों के लिए आरक्षण रूपी व्यवस्था बना करके दी है, उससे आपको राजनीतिक भागीदारी तो मिलेगी लेकिन सामाजिक भागीदारी आपको छीननी पड़ेगी। साथियों, आज हमारी पार्लियामेंट में संख्या पहुंच गई है, हमने रिजर्वेशन दे दिया है, का लाभ उठाया है, लेकिन कितना प्रतिशत? बहुत ही कम। और सामाजिक स्तर पर अगर हम बात करें तो कुछ 2-3 महीने पहले की एक घटना है, उस गांव का मैं नाम भूल रही हूं, उस गांव में हमारे एक दलित भाई को बारात निकालने का अधिकार नहीं था शवरणों के एरिया में, क्योंकि वो भाई हमारा दलित था। साथियों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, जो अम्बेडकर जी ने कही थी कि राजनीतिक भागीदारी मिल गई, सामाजिक नहीं मिली, तो सामाजिक भागीदारी के लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी। साथियों, उस दिन हमारा यूथ कहाँ था? एक बार उस गांव में 1 लाख हमारे दलित ओबीसी युवा जाकर के तो देखते, बारात भी निकालते, और मुझे लगता है शायद विश्व की सबसे बड़ी बारात होती कि जिसमें लोगों की सबसे बड़ी भागीदारी। आप अपनी सोच को बदलिए, युग तो अपने आप बदलेगा। साथियों, आगे मैं कहना चाहूंगी कि जो रिजर्वेशन था वो रिजर्वेशन हम लोगों को दिया गया राजनीति में और साथ ही साथ प्रशासनिक सेवाओं में। प्रशासनिक सेवाओं में जो भी नियुक्तियां होती हैं हमारी सरकार करती है, पब्लिक सेक्टर। साथियों, क्या हुआ कि शुरू के दौर में हमारे देश में बहुत सारी ऐसी नीतियां अपनाई गई जिन नीतियों में बड़ी बड़ी सरकार ने कंपनियां लगाई और राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बहुत सारे काम किए, लेकिन जैसे जैसे आगे हम दौर में बढ़ते गए, उदारीकरण का दौर आया और चीजों का निजीकरण हो गया। जब हमारे देश में निजीकरण हो गया और जो प्राइवेट, जो पब्लिक सेक्टर था वहां से नौकरियां चली गई प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में, अब आप समझने की आपको ये जरूरत है कि जब गवर्नमेंट सेक्टर में उतनी नौकरियां नहीं है, जब उन नौकरियों का पलायन हुआ है निजी क्षेत्रों में, तो हमारी भागीदारी वहां पर भी हमें मांगनी पड़ेगी। हमें आज प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण चाहिए। मैं आज यहाँ पर एक बात कहती हूँ कि अगर कोई भी कंपनी जिसमें कम से कम 100 एम्प्लॉई है, जो कंपनी 500 करोड़ तक का जिसका टर्नओवर है, उसमें कम से कम 50% ओबीसी और दलित के बच्चों का रिजर्वेशन होना चाहिए। और दूसरी बात साथियों, मैं कहना चाहूंगी कि जब भी आप लोग न्यूज माननीय उदिदार सर से, मैं कहूंगी कि थोड़ा वक्त ज्यादा ले रही हूँ, लेकिन ये बात है बहुत जरूरी है। साथियों, हम न्यूज चैनल खोल करके बैठ जाते हैं, जब भी देखते हैं न्यूज चैनल को डिबेट चल रही होती है, आज रफेल का मुद्दा है, कल राम मंदिर का मुद्दा है, परसों गांव का मुद्दा है, और हमारे युवा उन मुद्दों पर देखते हैं, और जो पैनल में लोग होते हैं, जो हमारा मीडिया है, उनकी कही गई बातों को हम अपनी ओपिनियन समझ लेते हैं। हमें क्या लगता है, या तो हम
एग्री होते हैं या किसी से डिसएग्री होते हैं, लेकिन हमारी वहाँ कहाँ भागीदारी है? यूनिवर्सिटीज के अंदर जो प्रोफेसर होते हैं वो आपको जो पढ़ाते हैं आप उसी मार्ग पर चलते हो और आपको तो लगता आप दलित हैं, आप अछूत हैं, आप उनके बराबर नहीं हैं। महामानव बुद्ध ने कहा था कि मानव को केंद्र में रख करके देखिए, ना यहाँ कोई दलित है, ना कोई यहाँ सवर्ण है, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, सब इक्वल है। तो उनके मार्ग पर हमें चलने की आवश्यकता है। और दूसरी बात आती है भागीदारी की, हम बात करें मीडिया में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, सीबीआई में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, बॉलीवुड में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, आईबी में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, रॉ में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, न्यायपालिका में हमारी भागीदारी होनी चाहिए। क्योंकि साथियों ये ऐसे इंस्टीट्यूशन से हैं, ये ऐसी संस्थान है जहां से हमारी ओपिनियन बनती है, हमारी सोच बनती है। साथियों हमारी सोच पर कब्जा कर लिया गया है। तो मैं आज इस मंच से आप लोगों से यही कहना चाह रही हूं, आप अपनी सोच को बदलिए, जमाना अपने आप बदल जाएगा और हमारा यूथ, किसी भी देश का यूथ उस देश का भविष्य होता है। तो आप देश का भविष्य बनिए और अपने कंधों पर अपने समाज और अपने देश की जिम्मेदारी उठाइए। सिर्फ आप फेसबुक ट्विटर इनका यूज कीजिए, यूज मात्र तक का, इसका मिसयूज मत कीजिए, अपना समय बर्बाद मत कीजिए, देश को एक दिशा दीजिए, एक विचारधारा अपनी बनाइए और समाज और देश को आगे ले जाइए। जय हिंद।